कर दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाले एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिर मीत हुड्डा घर से तो चली जाती हैं, लेकिन दोस्तों मीत हुड्डा जो कि शहर को नहीं छोड़ती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार मीत हुड्डा के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, क्योंकि बर्फी देवी ने इस समय मीत हुड्डा को खुद कह के भिजवाया है मीत अलावत की मोम से बोला है कि जितना जल्द हो सके तुम इसे यहाँ से भेज दो, क्योंकि तभी ही ये दोनों एक हो पाएंगे। और मीत अलावत की मोम ने वो ही किया है कि जो खुद बर्फी देवी कहती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग जानते हैं कि कितनी चालाकी के साथ में बर्फी देवी ने इस कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मानना ये है बर्फी देवी के साथ साथ में मीत अलावत का कि चलो यहाँ से, चलो ठीक है जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार पूरी तरीका से यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। और वहीं पे ही बर्फी देवी फोन छेड़ती हुई नज़र आ रही हैं लैला की अगर बात की जाए तो सालू इस समय लैला के किरदार में है, और वो एक बार फिर से धमकाती हुई नज़र आने वाली हैं लैला को कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में वाकई में जोरदार ट्विस्ट, जोरदार धमाका देखने को मिल रहा है। आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिर लैला की सच्चाई लोगों के सामने आने जा रही है। हालांकि इस बार जो कि काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आ रही हैं लैला, क्योंकि लैला अपनी खुद मोम पर ही बरसते हुई नज़र आएंगी, क्योंकि वो जानती है कि वो जो कुछ कर रही है सोच समझ कर रही है, इसीलिए उसकी किसी भी चीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि लगातार लैला के किरदार से सभी लोग व्याकित होने जा रहे हैं कि लैला कोई और नहीं है बल्कि खुद बर्फी देवी की बिटिया ही लैला है। जी हाँ साथी दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस एंड लव यू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, इतना साथ दिया है। लव यू गाइज़।